आप देख रहे हैं बालाजी चौक से अभी एक गौ माता संघर्ष समिति गंगा पुरुषली के द्वारा गोकशी कांड के मुजरिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, हालांकि गिरफ्तार उसमें 3 हो चुके हैं, और इसी मांग को लेकर बालाजी चौक से ये धरना स्थल पर SDM कार्यालय के सामने पहुंचेंगे। और वजीरपुर खंड के से आए लोग हैं, और हम जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग। वजीरपुर तहसील से। वजीरपुर तहसील से आए हो। वजीरपुर तहसील के कई गांवों से आज दो वक्त यहाँ गौ कसी का जो कांड हुआ दौलतपुर रोड पर सदर थाने के पास में, उस घटना के विरोध में जो धरना प्रदर्शन गौ भक्तों के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा, गौ संघर्ष समिति के द्वारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है SDM कार्यालय के सामने, उसका समर्थन करने के लिए वहीपुर तहसील के कई गांवों से गौ भक्त आज समर्थन देने पधारे हैं। यहां बालाजी चौक से SDM कार्यालय तक सभी मौन रूप में हम वहां पहुंचेंगे, और आज शाम तक वहीपुर तहसील की ओर से गौ भक्तों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक गौ कसी कांड में पुलिस प्रशासन इन अपराधियों को लीपापोती करना चाहती है, कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। जब तक इस पूरी घटना का खुलासा नहीं होगा, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, और संदिग्ध जो अपराधी इसमें हैं उनकी उचित जांच होकर के उनके खिलाफ भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, तब तक ये धरना जारी रहेगा। यदि प्रशासन इस पर बात ध्यान नहीं देगा तो ये धरना बड़े आंदोलन रूप में बदला जाएगा। जो कथा कथित आरोपी हैं, पुलिस ने इन्हों को गिरफ्तार किया, जेल भी भेज दिए गए। जेल भेजनी अच्छी बात है, वो तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो गौ सेवा संघर्ष समिति का जो निवेदन है, प्रशासन को अपील है कि पूरे इस मैटर का खुलासा किया जाए। ये चैन सिस्टम कहाँ से, कोई गाड़ी भी वहाँ आती है, उन गाड़ियों को वो तफ्तीश करें, गाड़ियों की भी हमारे पास कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक गाड़ी का नंबर हमें मिला है, जो गाड़ी वहाँ से लोड होकर जाती है उस गाड़ी का नंबर, हो सकता है आपके पास पहुँच गया हो, नहीं पहुँचा तो आपको हम अवगत करा देंगे। एक गाड़ी का नंबर भी हमें प्राप्त हुआ है। बाकी जितने अपराधी सारे अरेस्ट हो, सब पे कार्रवाई हो। बालाजी चौक से रवाना हो चुके हैं वजीरपुर खंड के लोग हैं।